आज के वीडियो में हम बिटसाइट 2024 से रिलेटेड एक ऐसा डिलीटेड टॉपिक देखने वाले, मतलब जो कि जेई मेन से आपका हट चुका है लेकिन यहाँ पे बिटसाइट में पूछा जाएगा, तो वो है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो सेक्शन है ये आपका वेक्टर्स में यहाँ पे हट गया है, तो इसको जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जो है अच्छे से नजर डाल लेना चाहिए। और इसी का हम जो ये यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले, इसमें अगर आप जो है लेंथी अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते तो किस तरीके से उसे स्मार्टली जो है कम टाइम के अंदर सॉल्व किया जा सकता है, वो चीज हम जो है इस वीडियो में देखने वाले। और सिमिलर टाइप के वीडियोस जो है ऑलरेडी हमारी आरबीएस प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए कवर अप है, तो अगर आपने जो है इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पे 10 से भी ज्यादा जो है वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी जो है इसे कंप्लीट करिएगा। और अगर आप जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इस सीरीज के अंदर, तो एक छोटा सा जो है हम लाइक टारगेट लेते हुए चल रहे 200 प्लस लाइक्स का, ताकि हमें जो है समझ में आए कि आपको सही में रिक्वायरमेंट है इस सीरीज की या फिर नहीं। ऑल्सो यहाँ पे जो है सेकेंड अटेम्प्ट को अगर आप जो है फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जितना हो सके अपने स्कोर को जो है बूस्ट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स विजेता बैच आप सभी के लिए लॉन्च है। अगर आपने इसे चेक नहीं किया है तो प्रोसीजर जो है एनरोलमेंट का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी कंप्लीट कोर्स डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखे रखा है कि ओ ए बी सी इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ऑफ यूनिट एच, और उसका वॉल्यूम जो है अब हमें बताना है। अब ये क्वेश्चन पता है ये बिना जो है आपके यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नॉलेज के बेसिस पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको जो है पता रहना था तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं जो है आपको एक स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा जहां पे इसके बिना भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, तो एंड तक जो है जरूर रुकिएगा। अब अगर हम जो है सबसे पहले एक नॉर्मल अप्रोच यहाँ पे देखें, तो बेसिकली आपका जो वॉल्यूम रहेगा ना टेट्राहेड्रन का, वो हो जाएगा 1/6 एबीसी का सिंपली यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये एबीसी जो है ये तो बहुत इजीली आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, इधर आपको A1, A2, A3, फिर B1, B2, B3 और यहाँ पे C1, C2, C3, है ना। इस तरीके से अगर वेक्टर्स दिए रहते कि A जो है वो आपका A1 आई कैप है ना प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये अगर मान लो आपको इस तरीके से दिए रहते तो सीधा यहाँ पे उठा के जो है आप आंसर निकाल लेते। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है हमें चीजों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में चीजें नहीं दी है ना। तो बेसिकली हमें जो है अप्रोच किस हिसाब से रहेगा, सबसे पहले OA को जो है A मान लो, OB को जो है B मान लो, OC को जो है C मान लो। फिर यहाँ पे एक चीज जो है आपको ऑलरेडी गिवन है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन है यूनिट एच का, मतलब सभी की जो लेंथ रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। अब अगली स्टेप हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी वो ध्यान से यहाँ पे देखना आप। यहाँ पे हमें जो है ये चीज पता है कि A.B, B.C और C.A दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 हमारा कैसे आया, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे अगर आप जो है बात करें कि देखो भाई अगर हम A.B निकाल रहे हैं तो वो क्या रहेगा, मॉड्यूलस A, मॉड्यूलस B और यहाँ पे आपका cos थीटा। अब भाई थीटा इंटीरियर एंगल के बीच का जो एंगल रहेगा यहाँ पे टेट्राहेड्रन का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1/2, और ये तो आपके 1/1 है, तो फाइनली जो है हमें 1/2 मिल जाएगा। ऐसे B.C और C.A की आप जो है वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगली स्टेप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिमाग लगाया, हमने जो है ये जो आपका बॉक्स प्रोडक्ट है ना, या फिर जो है हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, इसका जो है सिंपली यहाँ पे स्क्वायर करा। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको जो है यूज करनी रहेगी यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, एंड फाइनली जो है आप यहाँ पे डिटरमिनेंट की जो है यहाँ पे वैल्यू निकाल पाओगे। फिर उसके बाद तो आपको जो है सिंपली यहाँ पे 1/6 जो है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा, तो ये आपका स्क्वायर की वैल्यू निकली, तो इसका सिंपली रूट ले लो, तो 1/6√2 जो है वो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब अगर आपको जो है इस अप्रोच में यहाँ पे दिक्कत है, या फिर आपने अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखा नहीं था, आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं थी, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। एक सिंपल सा जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन जो रहता है वो हमारा किसके इक्वल रहता है, वो इक्वल रहता है A³/6√2, जहां पे A हमारी क्या हो जाती है, वो हो जाती है एज लेंथ। तो भाई रेगुलर है इसका मतलब सभी के सभी जो एजेस रहेंगे वो इक्वल ही रहेंगे, तो यहाँ पे 1 दिया रहता, 2 दिया रहता, सीधा फॉर्मूला में डालते और आंसर निकाल लेते। अब यहाँ पे A=1 दिया है तो फाइनली हमारी वैल्यू निकल आएगी 1/6√2। 10 सेकंड से भी कम टाइम में निकाल सकते थे अगर ये जो है फॉर्मूला क्लियर रहता। अब अगर एग्जाम में इस टाइप का जो है क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप बिल्कुल डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे, सीधा ये फॉर्मूला यूज करोगे, ना कि इस लंबे अप्रोच से जाओगे। तो इसी तरीके से स्मार्टली आपको वर्क करना रहेगा। इवन हमारे क्रैश कोर्स में भी कई सारी जो है स्मार्ट ट्रिक्स आपके लिए बताई गई है, तो अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो जरूर से जो है देखिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फायदा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।